Assalamualaikum guys, this is Wakarun Jamal from the platform of IIM for CSS Online Academy. So today we are going to cover lecture number 3 of Park Affair, and we will be discussing about the previous one firstly. In our two previous lecture, we covered the ideology of Pakistan and the state government and constitution. तो इससे पहले मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 2 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट और गवर्नमेंट को के बारे में पढ़ाया था कि स्टेट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, स्टेट बॉडीज क्या होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन की वो किस तरह से हुई। 1935 एक्ट के बारे में बताया था, 1956 जो पहला पाकिस्तान कानून था उसके बारे में बताया, 1962 वाले के बारे में, और 1973 का थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। तो उसमें हमने कंपैरेटिवली जो है ना वो इन तीन कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा था, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर जो है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स किस तरह से कर रहे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो मौजूदा सूरत हाल है या कह लें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है उस पर हम बात करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर थ्री इन वीडियो नंबर 1 है। सो स्टार्ट करते हैं जी हम आज के अपने टॉपिक से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हमारा आज का टॉपिक है। पहले हम देखते हैं कि किसने बनाया, दैट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इलेक्टेड वेस्ट पाकिस्तान मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ 1973। ये वो पहला पाकिस्तान का आइन था जो एक मुंतखब असेंबली ने, वेस्ट पाकिस्तान जो भी मौजूदा पाकिस्तान है, इन्होंने बनाया। इससे पहले जो हमारा आइन बने, मैं बता चुका हूँ पहले कि एक ब्यूरोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेट थे जो मोहम्मद अली वजीर आजम पाकिस्तान के, उन्होंने और दूसरा अयूब खान के दौर में बना, और वो इंटायरली इससे डिफरेंट थे। Constitution of 1973 was the result of consensus among the political parties of Pakistan People's Party, Bhutto, National Awami Party of Abdul Wali Khan, Jamiat Ulama Islam Mufti Mahmood, Jamiat Ulama Pakistan Shah Mahmood Durrani, Jamiat Jamaat Islami Professor Abdul Ghafoor, Council Muslim League Sardar Shaukat Hayat. So these were the parties that that agreed upon a mutual consensus, and in this way the constitution of 1973 was composed. तो ये हमारा सबसे पहला जो 1973 का constitution था वो इस तरह से हमारा constitution बना। और secondly अब मैं बात करूँगा कि constitution है क्या, constitution की जो है ना वो क्या क्या उसमें characteristics क्या है, और इसकी डेट आपको अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि फर्स्ट पास्ड ऑन अप्रैल 10 1973। तो ये डेट एमसीक्यूज में, पाक अफेयर में भी पूछी जाती है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में भी पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपके एमसीक्यूज के लिए मैंने इसकी एग्जैक्ट डेट भी यहाँ पे लिख दी कि कब मतलब पास किया गया, कानून कब पास हुआ, नाइन कब पास हुआ। अब इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामानी निज़ाम है, मतलब असेंबलीज हैं दो, हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली है और सेनेट है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पे मतलब काम करेगा। फेडरल गवर्नमेंट शैल बी कंप्राइजिंग ओवर पीएम अलोंग विद फेडरल मिनिस्टर। जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो किस पर मुश्तमिल होगी, जो वो प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो फेडरल मिनिस्टर्स होंगे उन पर मुश्तमिल। पीएम विल बी इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के जो हमारी जो इलेक्शन के बाद जो हमारी असेंबली जो जनरल इलेक्शन होते हैं हमारे हर 5 साल के बाद, उनके बाद जो हमारी असेंबली कह लें कि मार्ज वजूद में आती है या बनती है वो होती है कौमी असेंबली या नेशनल असेंबली। तो उनकी जो मेजॉरिटी जो जिसको वोट करेगी, मेजॉरिटी जिसको इलेक्ट करेगी वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। पोल सिस्टम विल बी इंक्लूडेड इन केस ऑफ नॉट मेजॉरिटी। हाँ, अगर मेजॉरिटी नहीं है तो पोल्स बना दिए जाएंगे जिस पोल्स में जो है ना वो थोड़ी सी एक्सेस ज़्यादा हो रही है तो उसमें जो है ना वो क्या कह लें आपके वज़ीर आज़म उसका मुंतखब किया जाएगा। अब
होल सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ नॉट मेजोरिटी, ये मेजोरिटी जब नहीं होगी तब ही होगा. ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एक्सट्रीमली पावरफुल वर्सेस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मेड कॉरेस्पॉन्डिंगली वीक इनएफेक्टिव इंडिपेंडेंट. अब जो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर बहुत होगी और जो प्रेसिडेंट इसकी निस्बत जो है ना वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, डिपेंडेंट होगा प्राइम मिनिस्टर पे. प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को फॉलो करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को. लेकिन जब ये आइन बना था ना 1973 का, उस वक्त इसमें एक आर्टिकल था जो अभी 2010 में आके खत्म हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आर्टिकल 58(2)(b) जिसकी जिस जो आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता था उसके पास अथॉरिटी थी इस आर्टिकल के तहत 58(2)(b) के तहत कि वो असेंबली तहलील कर सकता था, डिसॉल्व कर सकता था नेशनल असेंबली को, और चाहे प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर भी कर सकता था. उसके मतलब उसमें जिस तरह से फारूक लगारी ने किया था बेनजीर की हुकूमत को, सो बेनजीर की जब हुकूमत में थी वज़ीर आज़म थी तो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया था फारूक लगारी ने, तो वो उसने आर्टिकल 58(2)(b) को यूज करते हुए किया था, वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए. तो ये हमने बात की इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, पिछले लेक्चर में भी हमने इनको थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज हम कुछ मजीद चीजें ऐसी देखने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बड़ी जरूरी है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तनाजर में. इसमें सबसे देखते हैं कि रोल ऑफ प्रेसिडेंट का क्या रोल है. जो हमारा आईन है मौजूदा आईन, इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है. पावर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स की पावर है. कौन कौन से ऐसे जो डेजिग्नेशन है, कौन कौन से ऐसे और हैं जिनको जिनकी जो अपॉइंटमेंट की पावर प्रेसिडेंट के पास है. द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी, एयर फोर्स एंड चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अब एडवाइस तो प्राइम मिनिस्टर की होगी लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट आपका जो है ना प्रेसिडेंट करेगा. आपका ये जो मैंने आपको डेजिग्नेशन गिनवाए जो अहदे गिनवाए, जो जैसे आर्मी चीफ है हमारा, नेवल चीफ है, उसके बाद एयरफोर्स का चीफ है और ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है, ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस तो प्राइम मिनिस्टर करेगा लेकिन अपॉइंट प्रेसिडेंट. और डिसॉल्यूशन डिसॉल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, ये तो पहले मैं बात भी कर चुका हूँ कि जो आर्टिकल 58(2)(b) था उसमें तो बहुत ज़्यादा जो ना पावर थी कि वो डिसॉल्व कर सकता था असेंबली को बाय सेल्फ, मतलब बगैर प्राइम मिनिस्टर के विल के अगेंस्ट जाके भी कर सकता. लेकिन अब क्योंकि ये आर्टिकल 58(2)(b) भी खत्म हो गया है तो अब जो है ना ये पावर उसके पास नहीं है. अब वो कर सकता है लेकिन वजीर आजम की एडवाइस पे, अगर वजीर आजम नहीं कहेगा तो वो नहीं कर सकता, खुद से नहीं कर सकता. हाँ, अगर वजीर आजम ने कहा और प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना सॉरी प्रेसिडेंट ने उसकी बात को फॉलो नहीं किया, माना नहीं, तो वो दो दिन के अंदर ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगी, उसकी हैसियत ही खत्म हो जाएगी. मतलब उसमें खुद ही प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो इतनी पावरफुल है कि वो प्रेसिडेंट खत्म करे नहीं भी करे तो वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो हमने बात की इसकी डिसॉल्यूशन ऑफ द असेंबली की, नेशनल असेंबली. पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट सेरेमोनियल एंड नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट विदाउट एग्जीक्यूटिव पावर, इसके पास आपकी जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, वो एक नॉमिनल है, मतलब उसका आप क्या लें कि एक नाम से है सिर्फ कि उसके पास. और वो हेड ऑफ स्टेट है मुख्तलिफ जो स्टेट के ऐसे जो रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं जैसे हमारे नेशनल इवेंट्स का उनको जो डेज होते हैं उन पे जो एज ए हेड प्रेसिडेंट होता है. कुड नॉट वीटो एनी लेजिस्लेटिव बिल एज द बिल बिकम लॉ ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 days. ठीक है, किसी भी जो ना लेजिस्लेटिव बिल को वो ये वीटो नहीं कर सकता जो 7 दिन के बाद, मतलब उसको वीटो नहीं कर सकता, वो लॉ बन जाता है. 7 दिन जब गुजर जाते हैं किसी भी बिल के पास होने के बाद तो उसको ये जो प्रेसिडेंट है वो वीटो नहीं कर सकता. प्राइम मिनिस्टर एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होगी करनी तो प्रेसिडेंट ने, लेकिन एडवाइस किस पे करेगा, प्राइम मिनिस्टर. इवन कि असेंबली डिसॉल्व करनी है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होगी. तो ये काम तो सारे इसके हैं प्रेसिडेंट के, लेकिन ये एडवाइस ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो ये तो हमने रोल ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ लिया. अब हम देखते हैं कि फेडरल सिस्टम, हमारे यहाँ फेडरल निज़ाम है हुकूमत का, जो हमारी फेडरेशन है, बाकी के प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस की इंटरनल जो ना गवर्नमेंट्स हैं. तो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, हमारे यहाँ जैसे प्रोविंसेस की अलहदा हुकूमतें हैं और फेडरल की अलहदा हुकूमतें हैं, अलहदा हुकूमत है,
तो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कुछ सब्जेक्ट्स को लेके, वो मैं आगे डिस्कस करेंगे हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लेके डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो और इस तरह से अब ये पावर जो है ना डिवाइड है दोनों के दरमियान। सेंट्रल दो पावरफुल है, प्रोविंशियल से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थ्रू आउट जो है ना वो प्रोविंशियल लेवल पे डील होता है, नहीं होता है। तो उनमें फिर सेंट्रल का या आप कह लेंगे फेडरल का जो है इतना रोल नहीं होता। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर गोइंग टू फेडरल गवर्नमेंट अंडर 18th अमेंडमेंट। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज मैटर्स मतलब एक ही लॉ पूरे कंट्री का, नेशनल इंपॉर्टेंस जो जो कौमी अहमियत के अमल है गोइंग टू फेडरल, ये फेडरल गवर्नमेंट मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ है जो लॉ है हमारा, उसके बाद नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी जो मैटर्स हैं वो सारे फेडरल गवर्नमेंट में देखेंगे, मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान वो सब सबके लिए होंगे, उसे कोई भी प्रोविंस जो है ना वो उससे बाला उसे मतलब उसे अवॉइड नहीं कर सकता या उससे बच नहीं सकता, वो पूरे रूल्स सबके लिए। प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हैज बीन फॉलोड एंड इन एडिशन टू रेजिड्यूरी पावर्स 47 सब्जेक्ट्स प्रीवियसली इन द कंकरेंट स्टेट प्रोविंस। रेजिड्यूरी पावर्स क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर होती है किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी इशू को लेके, वो दो के वो इंटरनल होता है, लेकिन इंटरनल किसी प्रोविंस का क्यों पावर होती है। लेकिन आप क्या हुआ 47 सब्जेक्ट्स प्रीवियसली इन द कंकरेंट लिस्ट, जो पहले कंकरेंट लिस्ट में थे। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है कि जो जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों मिलके जिस पे जो डिबेट या डिस्कशन करते हैं या उसको डिसाइड करते हैं, अब वो जो है ना वो किसको दे दिए हैं, प्रोविंसेस को दे दिए हैं आफ्टर 18th। तो अब मतलब प्रोविंसेस को मजीद जो है ना बाख्तियार बनाने के लिए ये किया गया है कि प्रोविंसेस जो है ना हमारे मजीद बाख्तियार हों ताकि वो प्रोविंशियल अटोनोमी को जो है ना इंश्योर किया जा सके। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, इस पर पहले भी बात होगी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर से मराज ये है कि हमारे पास नेशनल असेंबली है और सैनेट है, हमारे पास ऐवान बाला सैनेट को ऐवान ज़ेरी जो है हमारे पास नेशनल असेंबली है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाज कंट्रीज में यूनी कैमरल है, जैसे श्रीलंका में यूनी कैमरल है, तो मतलब वहाँ पे एक ही असेंबली है, आप कह लेते हैं उनकी नेशनल असेंबली हुई, तो वहाँ पे सैनेट नहीं है। इंडिया पाकिस्तान ये कंट्रीज हैं जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, इवन अमेरिका में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। दो के थोड़ा सा अमेरिका का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यहाँ से जो उनका गवर्न उनका मतलब जो उनकी कैली के जो लेजिस्लेचर है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो खैर लादा टॉपिक है, वो हम यूएस हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है जी अंडर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम देखते हैं कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से फंडामेंटल बुनियादी जो हकूक है उनको इंश्योर करता है। फैमिलियर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड फ्रीडम, ठीक है, आम जो जमहूरी हकूक हैं और जो आज़ादी के हैं, सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन प्रेस असेंबली कंसाइंस एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तो बेसिक राइट्स हैं जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। ऑल द सिटीजंस आर टू बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी सेम बात है कि पूरे मुल्क के जो जितने भी शहरी हैं उन सब के लिए कानून है और उसको उसकी हिफाजत भी सबके लिए। वो एक लहजा बात है कि प्रैक्टिस में यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो यहाँ पे अमीर गरीब का कानून लहजा है, उसे देखें अगर बना हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन वो आप अगर प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो क्योंकि सिस्टम ही इतना ख़राब हुआ हुआ है कि वो इस तरह से है, लेकिन एटलीस्ट आइन के अंदर ऐसी बात नहीं लिखी हुई। ड्यूरिंग द इमरजेंसी द प्रेजिडेंट कैन बाय एन ऑर्डर सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल। अब अगर इमरजेंसी या कर्फ्यू लग जाता है तो कुछ आप जो बुनियादी हकूक हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ कह लें आपके असेंबली कह लें, ठीक है, किसी भी इज्तिमा का फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है, उस पर प्रेजिडेंट जो है ना वो उसको सस्पेंड कर सकता है, तो ये पावर प्रेजिडेंट के पास है फंडामेंटल। सिविल राइट्स सच एज राइट ऑफ लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर गारंटेड, जो हमारे सिविल लाइफ वो जो है वो इसी तरह से चलते हैं। तो ये हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की है, तो अब वीडियो नंबर 2 में जो है ना हम बाकी देखेंगे, बाकी जो आगे वाली स्लाइड्स इस्लामिक कैरेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वीडियो नंबर 1 थी।